चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में प्रदेश के जलदाय विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कई गांव का दौरा किया तथा उन्होंने चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी को समर्थन देने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कई गांव का दौरा किया। इसके बाद जिला मुख्यालय स्थित भाजपा को चुनावी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में भाजपा का माहौल है तथा इस बार एनडीए 405 सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की चित्तौड़गढ़ में माहौल नजर आ रहा है उसे चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश की 25 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। कोई सा बागी हो, कोई भी हो, बाकी हर आदमी जो जिन्होंने पिछला 10 साल के अंदर जो देश की प्रगति देखी है, जिन्होंने मोदी जी पर विश्वास किया है, जिन्होंने शांति देखी है, जो 2014 से पहले डेली बम ब्लास्ट होते थे, कहीं ना कहीं आपस में दंगे होते थे, हमारे पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों को सिर काट के ले जाते थे, कई चीज़ें देखी। जो आज जो हमारा देश जो प्रगति कर रहा है, जिस तरह से आज गरीब कल्याणकारी योजना चालू करी है देश के प्रधानमंत्री, उसके आधार पर हर आदमी की मंशा की किस तरह से वापस हमारा देश जो विश्व में 11 ताकत से 5 नंबर की ताकत बना, आने वाले समय में विश्व में 3 ताकत कैसे बने, हर आदमी समझदार हो गया। आप जो मीडिया के स्तंभ हो, मीडिया के चौथे स्तंभ हो, आप लोगों के द्वारा जो जानकारी आम जनता में जो 10 सालों में गई है वो समझ गया कि अब आने वाले समय में मोदी को ही लाना है। मोदी को लाने के लिए हमने यहाँ से 25 सीटें। कितने गांवों का दौरा किया आपने और किस प्रकार का माहौल देखा? आज मैंने लगभग 7-8 गांवों के अंदर पंचायतों में मैं गया और जो माहौल देखा वो वास्तव में ज़बरदस्त माहौल था। और अब मैं वापस आपसे बात करने के बाद मैं लगभग जो देखो विधानसभा के जो भी गांव के दौरे में भी जाऊंगा और सब जगह एक ही माहौल, पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ मैं, नागौर का बरवा, नागौर में भी यही माहौल है, टोंकसवाई माधोपुर मेरे लोकसभा क्षेत्र है, मैं अलवर भी गया, मैं चित्तौड़ भी गया, जोधपुर गया, सब जहाँ जा रहा हूँ सब कहे कि ये बाकी एक लोग माहौल बना रहे कि साहब इस बार टक्कर है, 3-4 सीटों की टक्कर नहीं है, सब सीटें 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीती है। राजपूत समाज के अच्छी तरह से जानते हैं कि राजपूत समाज का भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रतिनिधित्व दिया, राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, राजपूत समाज जानता है कि हमारा मान सम्मान कौन सी पार्टी रखती है, राजपूत सम्मान अच्छी तरह समझता है कि मैं देश को मजबूती करने के लिए उनको अच्छी तरह से बताया कि बॉर्डर पर रहते वो किस तरह से, तो 10 साल पहले क्या स्थिति थी, राज की स्थिति बदली, वो आन बान शान से जीने वाला समाज है उसको पता है कि देश को मजबूत करने के लिए वापस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और 100% सब लोग भारतीय जनता पार्टी को पता है क्या उनको मना